तो स्वागत है आप सभी का एक और माइनक्राफ्ट हॉरर वीडियो में, जहाँ पे आज मैं ट्राई करने वाला हूँ एक स्कैरी मोड जिसका नाम है द नॉकर। बेसिकली ये कहीं भी रात में स्पॉन हो जाता है, तो हमें यहाँ से बचकर कम से कम 10 दिन सरवाइव करना है। एंड जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भैया, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सामने पेड़ है। सबसे पहला हमारा काम एक ही होता है, जो है लकड़ियाँ इकट्ठा करना एंड फटाक से एक क्राफ्टिंग टेबल बनाना, देने एक वुड की पिकैक्स बनाना, फटाफट लग जाना स्टोन के माइन करने, फिर स्टोन में अपग्रेड होना। ओके, ये तुम्हारा स्टोन का पिकैक्स बनके तैयार है। सामने लावा है और कोल भी है, तो फटले लावा को एक साइड करते हैं एंड फटाफट से कोल माइन कर लेते हैं। भाई अब पहले मुझे ब्लॉक कर देना था बट ओके, तो यहाँ पे हमने सारे कोल माइन कर ली। देन हेल्थ हमारा कम है, तो एचपी रिकवर करने के लिए हम लोग थोड़ा सा एनिमल्स को मारना होगा एंड को रिजनरेट करना होगा। बट इसी बीच ओके, नीचे ज़ॉम्बी स्पॉन, कुत्ते भाई साहब, इन लोगों की आंखों को पता नहीं क्या हो चुका है भाई। भाग, आगे आ गए हैं थोड़ा सा यहाँ पर ऊंचाई वाले जगह पर। मेरे हिसाब से ये कोई वोल्केनो टाइप चीज के रंग उड़ गया है। ओके, कोई नहीं, सामने आयरन रखा हुआ है तो फटाफट कर लेते हैं। कोल भी दिख रहा है, तो भाई टॉर्च और खाना पकाने के लिए तो हमें है। और ये भाई पूरा वोल्केनो है, इसीलिए ऐसा कुछ यहाँ पर बन चुका है। चारों तरफ लावा ही लावा, इसके अंदर तो जाने का मैं तो रिस्क नहीं लूंगा। इसके साइड में कुछ आयरन और कोल्स हैं, तो मैं उन्हीं को और ताकि मैं वहाँ माइन कर सकूं। लावा के बीच में ये पानी कहाँ से, भाई कुत्ते इधर आ जा, पानी में आके तो मेरा डॉग पता नहीं कहाँ से लावा के अंदर गिर गया था। रात है तो भाई मोब स्पॉन तो होंगे ही होंगे, कोई पंगा नहीं लेते हैं। आगे चल कर मुझे थोड़ा एक इस तरह का एक टर्नल दिखा टाइप था, जो यहाँ से यहाँ तक था। ये बर्फ वाला दिख गया, मतलब ये बर्फ का माउंट एवरेस्ट। और मैं यहाँ पर आया था बस इन दो आयरन को माइन करने, क्योंकि भाई कभी भी कहीं से भी टपक पड़ सकती है। तो सबसे पहले आयरन के, ये वियर्ड सा स्ट्रक्चर दिखा जिसमें लूट के नाम पर कुछ भी नहीं था, ये इन लोगों का दिखा। भाई ये सामने से मुझे ट्राइडेंट कौन मार रहा है, ट्राइडेंट वाला बंदा जो कि मुझे ट्राइडेंट मार रहा था पानी के अंदर से। और अंदर एक चेस्ट रखी है। ओके, तो आगे मुझे एक छोटा सा घर दिख, ओह शिट, इन्वेंट्री को चेक कर रहा था, उसी बीच क्रीपर आके मेरे पास फट गया। निकलते हैं क्योंकि भाई रात है और मोब बहुत किलो के हिसाब से यहाँ रिस्पॉन हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं भाई, एक क्रीपर मेरे, अच्छा तो ये भाई स्केलेटन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वेल कोई नहीं, मेरे पास गन है तो। एंड सबसे पहले सुबह करते हैं, और भाई सुबह होते ही नहीं मैं जैसे बाहर आया क्रीपर दोबारा मेरे पास पीछे फट गया। आगे जाने पर मुझे एक विलेज दिखा जिनकी, भाई विलेजरों की आंखें पता नहीं किस तरह की थी, और मैंने उनमें लूटपाट स्टार्ट कर, पर रिस्पॉनर किसने रख दिया है। ओके, ऐसे जंगल में ऐसे पागलों जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर है जहाँ पर ये रिस्पॉनर है। और यार ये क्या है, मतलब इसके बीच में ये स्केलेटन की हड्डी रखी है, करना क्या चाहते हैं इसे। यहाँ पर लूट अच्छी खासी रखी हुई है, तो मैंने वहाँ पर लूट फूट की। विलेज में भी बहुत सारी लूट, खाने को पका भी लिया। देन रात हो गई तो मैं जाकर सीधा सोने लगा। रात होने से पहले मैं जाकर बेड पर सो गया, और तभी बीच मेरे साथ ये कुछ हादसा हो जाता है। मैं बेड पर सो नहीं पाता हूँ, बाहर ही बेड लगा के सो गया, लेकिन फिर भी मुझे डैमेज पड़ रहा है। तो अभी मैं विलेजर सो रहा है, उसे कुछ बाहर की तरफ मैं ब्लॉक प्लेस कर देता हूँ ताकि कोई मोब अंदर ना आए। और भाई ये तो अच्छे से मस्त घोड़े बेच के सो गया। आगे मैं आया और मुझे एक ये बड़ा सा केव दिखा जो कि लस केव था, और इसी बीच दोबारा से रात हो जाती है। और मैं इन विलेजरों को अंदर कर रहा था क्योंकि ज़ॉम्बी अगर आके इन्फेक्टेड ना कर दे इन लोगों को। और ये भाई अंदर जा दूसरा वाला भी यहाँ पे क्या कर रहा है। तो अभी रात हो चुकी है और यहाँ दोस्तों कोई बात नहीं। तो ओके, ये क्या था भाई, ये था क्या। अनफॉर्चुनेटली ये कहीं से भी रिस्पॉन हो जाता है। ओके, तो इसी बात के डर रहा था मैं, और फिर मैं चला गया माइन पर क्योंकि मुझे अपने आर्मर को में बदलना है, क्योंकि आयरन का तो मैंने बना लिया बट वो भी काफ़ी नहीं है क्योंकि भाई द नॉकर कभी भी कहीं से भी स्पॉन होके मुझे मार सकता है। ओके, और फिर मैं माइन से ऊपर आया। ऊपर आने के बाद मैं लग गया था अपना एक घर बनाने और उन विलेजरों को रख पाऊँ जो कि भाई ये विलेजर बाहर नल्ले विलेजर ऐसे टहल रहे हैं, तो मैं ऐसा सेव कर पाऊँ कि उससे मुझे बहुत ज़्यादा ही। एंड ये मैंने एक साइड में एक टावर टाइप दिया है ताकि मैं यहाँ, और थोड़ा सा लकड़ियाँ घट गई थी भाई, इसी बीच रात हो जाती है। और एक
विलेजर को ये ज़ॉम्बीज इन्फेक्टेड कर देते हैं, तो मैं उन्हें लाकर अपने दूसरे वाले घर में इन्हें शिफ्ट कर देता हूँ ताकि ये हो चुका है। ओह शिट भाई, देख रहे हो कहीं भी कभी भी स्पॉन हो चुका है, तो मेरा घर अभी किसी भी दोबारा से लकड़ियाँ घट जाती है और मैं ला के दोबारा से अपने छत को बनाने लग जाता हूँ एंड घर भी कंप्लीट हो गया है। और ये भाई रात हो जाती है, विलेजर नल्ले विलेजर बाहर ही टहल रहे होते हैं, तो अभी तो घर मेरा का घर कंप्लीट हो चुका है। देन इन सबको लेकर चलना है अपने घर में, आप ये सेफ रह सके। और अभी तो यहाँ के विलेजर कहीं दिख, लगता है सभी ज़ॉम्बियों ने इन्हें इन्फेक्टेड कर दिया है, जो कुछ बचे बचे विलेजर हैं। ओके बट जी हाँ, अभी मेरा घर ये रहा और इसमें भाई यहाँ के भी विलेजर गायब है, पता नहीं। ओके भाई, बस डर इस एक बात का कि नौकर कहीं से भी रिस्पॉन हो जा रहा है। तो हटो भाई, चलो घर चलते, सो जाते हैं।